मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आ रहा हूँ यूएई। मेरा क्याम होगा यूएई में। आप मेरे से मुलाकात करना चाहें एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस के लिए, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2022 बुर्ज हमल एरीज, आज का दिन नींद बड़ी पुरसकून रहेगी। आज को ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। आज आपके कामों में तसलसल लौट कर आएगा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आती है। वालिद की कुर्बत रहेगी, वालिद का साथ रहेगा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। आज अपनी इल्म तजर्बा और काबिलियत दूसरों से शेयर करने का मौका भी मिलेगा। बुजसौ टॉरस, आज का दिन मायूसी नाउमीदी रहेगी। कामों में दुश्वारी का सामना हो सकता है। आज दबाव की कैफियत को महसूस करेंगे। आज हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े। विरासती मामलात बहरहाल आपकी फेवर में जाते हुए दिखाई देते हैं। बुर्ज जौजा जमनाए, गैर शादीशुदा अफराद की शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी। घर का माहौल पुरसकून दिखाई देता है। शरीक हयात का साथ रहेगा। कहीं से पैसे आने की उम्मीद की जा सकती है। ख़रीदारी शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। मद्दे मुकाबल अफराद आज आपके लिए सपोर्टिव और फ़ायदेमंद रहेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, अगर किसी से कर्ज लेना है तो उस हवाले से आज का दिन बेहतर है, लेकिन हो सके तो इस चीज़ को अवॉइड करें। नौकरी का हसूल के लिए जो अफराद कोशिश और मेहनत कर रहे हैं आज आपके लिए आसानी हो सकती है। आज आपके साथ चलने वाले अफराद आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। किसी मुलाजिम की तलाश थी तो वह तलाश भी आज ख़त्म हो सकती है। कानूनी मामलों में कुछ बेहतर सलाह मशवरा मिलता हुआ दिखाई देता है। बुर्ज असद लियो, आज बच्चों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आज इल्मी काबिलियत में इजाफा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आज का दिन महबूब के साथ वक्त भी गुजर सकता है या बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। आज का दिन आपकी कोशिश होगी कि हम अपने अंदर रूहानियत के शौक को भी पैदा करें। बुर्ज सुमला वर्गो, ज़्यादा मसरूफियत घरेलू मामलों में दिलचस्पी की तरफ रहती हुई दिखाई देती है। आज खानदान वाले आपको मिलने के लिए आ सकते हैं, इवन दोस्तों का भी आपके घर आना हो सकता है। वालदा की कुर्बत रहेगी। वालदा के साथ अपने दुख सुख करने का मौका भी मिलेगा। घर की तजीन और आयश में भी मसरूफियत रह सकती है। बुर्ज मैज़ान लिब्रा, मतवक्को है कि किसी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब को मिलने के लिए अंदरून मुल्क सफ़र या ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ अफराद अपने काम की गर्ज़ से भी आज ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि आपके लिए वसीला ज़फ़र यानी खुशगवार सफ़र रहेगा, जिसमें मकसद के तहत किया गया ट्रैवल आपको फ़ायदा दे सकता है। बहन भाइयों का साथ रहेगा। आज गुफ्तगू कर लेने से कुछ अफराद जिनके साथ गलतफहमी चल रही थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। बहरहाल आज मसरूफियत बेपनाह रहेगी कि हो सकता है अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो, आज का दिन फाइनेंशियली एतबार से अगर देखा जाए तो बेहतर है कि अखराजात में कमी रहेगी और आपकी सेविंग डिस्टर्ब होती हुई दिखाई नहीं देती। रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को तौर पे हो सकती है। आज पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। खुशखुराकी मरोखन गज़ाओं का इस्तेमाल आज करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अपनी सेहत पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा और अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिएगा। जिससे भी मुलाकात हो बहस मुबाहसे से गुरेज करें। आज सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे। आज अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। सैर व तफरीह, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। आज दोस्तों के साथ भी आउटिंग का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। वो अफराद जो अपने घरों से दूर या बैरून मुल्क मुकीम हैं, अपनी फैमिली से राबते को बहाल करेंगे। आज किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, अखराजात में इजाफा रहेगा। आज अकेलेपन तन्हाई का शिकार अपने आप को करते हुए दिखाई देते हैं। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना या उनके साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आज नज़रबद का शिकार भी रहेंगे। बुर्ज दल्व एक्वेरियस, काम काज कारोबार करने वाले अफराद अगर आज भी मसरूफ़ हैं तो आपके लिए आज मुनाफे का रुझान रहेगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस क्रिप्टोकरेंसी में दिलचस्पी रखने वाले आज अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। किसी तकरीब में गेट टुगेदर में शिरकत करने का मौका मिलेगा। अपने बच्चों के अजदवाजी ज़िंदगी और रोज़ो शब के मामला सुलझाते हुए भी दिखाई देते हैं। बुर्ज हूद पाइसिस, आज अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अहम लोगों से मुशावरत करते हुए नज़र आते हैं। आज आपकी इज्जत रिस्पेक्ट में इजाफा रहेगा। दूसरे आपकी शख्सियत को सराहते हुए नज़र आते हैं। आज किसी अहम फ़र्द या शख्सियत से मुलाकात या आपके घर किसी की आमद आपके लिए खुशी का बायस हो सकती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।